मैंने बोला ना कि राम राज एक जो है एक भ्रामक है, एक काल्पनिक है। और यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान उस दिन समाप्त हो जाएगा। यदि में जो सत्ता के भूखे भेड़िए हैं वो बराबर हिंदुत्व हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं, टेररिस्ट घोषित करते हैं खालिस्तान का मांग करने वाले को, जब ये मुस्लिम अलगाववादियों को टेररिस्ट कहते हैं तो बताइए कि एक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मांग इनको मैं क्या कहूँ। ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले ये स्वतः ही एक प्रकार के आतंकवादी हैं। इनको लोगों से मोहब्बत नहीं है, देश से वतन से कोई मोहब्बत नहीं है। 90 करोड़ 92 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवन यापन कर रहे हैं, मर रहे हैं। 10 अरबपति ऐसे हिंदुस्तान के बड़े लोग हैं जिनके पास 80% पूंजी इकट्ठा है और जमीन 90% शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़े लोगों के पास गांव में जमीन नहीं है। यहां समानता आपको कहां दिखाई दे रही है? आप अपनी शब्दों में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह के सपनों के भारत की बात करते हैं, क्या आपको अभी तक ये सारी चीजें मिली नहीं क्या? 90 करोड़ 92 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवन यापन कर रहे हैं, मर रहे हैं। 5 किलो अनाज से जीवन कैसे चल सकता? और एक व्यक्ति हिंदुस्तान का, एक व्यक्ति के पास पूरे बजट का 1/3 हिस्सा रखा हुआ है, अडानी नामक व्यक्ति जो रखा था, जो डूब गया है आज। गांधी का स्वराज कहाँ है? हम तो चारों तरफ बंदिशों से और घिरे हुए हैं, हमको स्वराज कहाँ है? और अंबेडकर की समानता तो इस मुल्क में है ही नहीं है, सिद्धांत में है, संविधान में है, मेरी पुस्तकालय में उनकी मूल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की, सब कुछ है, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल नहीं है। समानता कहाँ है? एक व्यक्ति, 51% लोग भूमिहीन है इस देश के अंदर और 4% लोगों के पास 40% ज़मीनें हैं इस देश के अंदर, और अब केवल 20% लोग 80% संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं। 10 अरबपति ऐसे हिंदुस्तान के बड़े लोग हैं जिनके पास 80% पूंजी इकट्ठा है और बाकी यहाँ समानता आपको कहाँ दिखाई दे रही है? यह मैं चाहता हूँ कि गांधी का स्वराज, भगत सिंह का समाजवाद और अंबेडकर की समानता हमको व्यवहार में मिल जाए। अक्सर जो है आप, भारत जो है आज हिंदू राष्ट्र बन रहा है और यहाँ पे सभी लोग खुशहाल और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मुस्लिम अलगाव और खालिस्तान को लेकर के बार बार आंदोलन कर रहे हैं, क्या है आखिर इन सारी चीज़ों को लेकर? मैं इसके विरुद्ध हूँ। मैं ये तो कुछ बेहूदे हैं जो जिनकी कॉलेजिएटिंग तो दूर, स्कूलिंग भी ठीक नहीं हुई है, और वो जो हिंदू और हिंदू राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, भारत, इंडिया एक राष्ट्र है, संविधान में है इंडिया यानी भारत, यहाँ कोई हिंदू राष्ट्र का प्रश्न ही नहीं है। जब तक अंबेडकर का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक देश में का सर्वोच्च न्यायालय आबाद है, तब तक यकीन मानिए कि ये सब जो है ये सत्ता के भूखे भेड़ियों की शब्दावली है। ये करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो बनेगा, खालिस्तान, पाकिस्तान, ये सब ये शब्दावली गढ़ते हैं। मैं ये जानता हूँ कि यदि संविधान है और यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान उस दिन समाप्त हो जाएगा। यदि बनेगा तो संविधान है तो ये देश इंडिया है, इंडिया यानी भारत है, भारत एक मुल्क है। हम हिंदू राष्ट्र को कंसर्न, और ये जो बोले ना कि ये जिनकी स्कूलिंग भी ठीक से नहीं हुई, जो 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 विघटनकारी ताकतें हैं इस हिंदुस्तान में, जो सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, वो बराबर हिंदुत्व हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं, और मैं इनको किसी अपराधी से कम नहीं मानता। यही खुद अपने को अपराधी सिद्ध करते हैं। कैसे कि जब एक खालिस्तानी को टेररिस्ट घोषित करते हैं खालिस्तान का मांग करने वाले को, जब ये मुस्लिम अलगाववादियों को टेररिस्ट कहते हैं तो बताइए कि एक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इंटायर हिंदू राष्ट्र जैसे इन्होंने गढ़ा हो, हिंदू राष्ट्र की मांग, इनको मैं क्या कहूँ। ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले ये स्वतः ही एक प्रकार के आतंकवादी हैं, घोषित रूप से आतंकवादी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमें हमारा भारत चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ इंडिया भारत चाहिए, इससे अधिक न चाहिए न इससे कम चाहिए।
आपके वेशभूषा को देखते हुए आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरह से आपकी जो है साधारण वेशभूषा है, साधु की तरह से आपकी पूरी प्रतिक्रियाएं हैं सारी, महात्मा गांधी के सत्यवादी पथ पे आप चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है आज राम राज्य में इतनी बड़ी तकलीफ है आपको क्यों हो रही है, आखिर क्या है? इटोपिया है, मैंने बोला ना कि राम राज एक जो है एक भ्रामक है, एक काल्पनिक है, राम का कोई राज नहीं हुआ, किंग के रूप में राजा राम का उल्लेख है, गॉड के रूप में भी नहीं है, पूरी इस हिस्टोरी इक्ष्वाक वंश के 54 राजाओं की 3 पीढ़ी तक की हिस्टोरी है, लगभग 2000 साल तक बैठती है, 2200 साल तक वह इक्ष्वाक वंश के राजा हुए, उसमें राम एक राजा हुए, लेकिन मैं जो बेसिक जो हिस्ट्री का स्कॉलर हूँ, मैं यह जानता हूँ कि राम का जो काल है, राम का जो युग है, वो जो है एग्रीकल्चर का युग था, और अभी जो है बंचारी व्यवस्था थी, जंगल की अर्थव्यवस्था थी, वह इस बात से भी सिद्ध है कि उनका कोई कंस्ट्रक्शन, पक्की ईंट अभी नहीं बनते थे, कच्चे घरों में लोग रहते थे, सीता कृषि हल्की कूड़ से निकली हुई बताई जाती हैं, राम के जो धनुर्धर हथियार हैं, जो धनुष बाणी इनिशियल स्टेज के तीर धनुष जो है, प्रिमिटिव जो अर्ली मानव था उनके हाथ का धीरे धीरे हथियार था, पहले उसने स्टोन का इस्तेमाल किया, फिर टेक्नोलॉजी आई तो उसने दूसरे स्टेप में आके तीर धनुष का इस्तेमाल किया, और ये जो हथियार थे ये बताते हैं कि वो स्थिति कृषि की थी, वनों में ज़्यादा समय था, उनके मित्र मंडली को देख लीजिए कि जो जो जिनको मानव के रूप में समाहित किया गया हनुमान को, हनुमान को भी उन्होंने एडॉप्ट किया, एक तरफ हनुमान को आप जानवर दिखा रहे हैं, बंदर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उसको मानव रूप दे के, बाँह और पैर दे के, और उसमें मुंह हनुमान का करके, ये जो एसमिलेशन जो जोड़ना है, यह बंचारी और कृषि की अवस्था से, तो बेसिक रूप से राम जो है जो कोई राम राज, हाँ बिल्कुल थी स्वतंत्रता, इस तरह की बंदिश नहीं थी, कृषि के समाज में और वन में रहने वाले लोगों में बहुत सारी आज़ादी थी, आज के जो मॉडर्न युग की जो संविधान है, जो टैक्सेशन है, जगह जगह कानून है, क्लचेज हैं, ये नहीं थे, लेकिन राम का है जो सच राज, और ये जो कहने वाले फैलाने वाले हैं ये तो सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, आग लगाने वाले हैं, राम राज का नाम लेंगे और मुसलमान खालिस्तान पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे तो ये सत्ता में जाएंगे कैसे ये भेड़िए। आप आजमगढ़ में जब जमीनी को लेकर के हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ भी आप उस आंदोलन में थे, अभी अंबेडकर जन मोर्चा के साथ जो है जमीनी आंदोलन में आप थे, क्या आपको यह ऐसा लगता है कि गरीबों के पास ज़मीन की जो मांग आप कर रहे हैं उस हिसाब से क्या ज़रूरत है उनको इन सारी ज़मीनों की लड़ाई में, आप भी आगे आ रहे हैं, आखिर क्या उनको जमीन के पास ज़मीन नहीं है? आप जमीन जीवन है, सुनिएगा ठीक से बजाइएगा, जमीन क्या है? जीवन है, जमीन जीवन है, इसलिए जीवन है कि जमीन पर अनाज पैदा होता है, फल पैदा होता है, वनस्पतियां पैदा होती हैं, ठीक है ना, यह खाके इंसान जीता है, सभी लोग जीते हैं, तो जमीन जिसके पास नहीं है वह जीवन उससे छीन लिया गया है, एक बात, और जमीन 90% शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़े लोगों के पास गांव में जमीन नहीं है, और 51% लोगों के पास जमीन नहीं है, उसमें से भी 90% लोग अति पिछड़े और गांव में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके पास जमीन क्यों क्यों नहीं है, और किसने छीन लिया और क्यों नहीं दिया जाएगा? और मैं एक चीज़ बता दूं कि हिंदुस्तान किसान और मजदूरों का मुल्क है, ये जो जितने लुटेरे हैं जो खा पी रहे हैं, जहाज़ों से उड़ रहे हैं, आज जितनी कवायद कर रहे हैं, जगह जगह मंदिर मस्जिद के लिए जंग लड़ रहे हैं, ये लुटेरे हैं, जो डकैत हैं जिनको मैं कहता हूँ, ये डाकू हैं, इनको इंसानियत से कुछ भी लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान आज से नहीं, जब से आबाद हुआ है तब से हिंदुस्तान जो है गरीबों का, किसान और मजदूरों का ये देश है, काम करने वाले शिल्पकारों का देश है, ये झूठ बोलकर और सत्ता की रोटी सेंकने वाले बेईमानों का मुल्क नहीं है, इसलिए मैं बार बार खिरियाबाग नहीं, कहीं भी आंदोलन होगा जमीन के, और मैं अपने आंदोलन में सफल होऊंगा, आपके चैनल से बता दूं कि जमीन कृषि योग्य जमीन भारत में बराबर बराबर बांटी जाएगी, ये आंदोलन अपने ये तीसरा ज्ञापन है, अंतिम मुकाम की तरफ बढ़ रहा है, जीवन आप छीन के बात करेंगे, समानता की पहली सीढ़ी यह है कि हर व्यक्ति के पास समान रूप से जमीन हो, पैर रख, उसका स्वाभिमान बचेगा, वो दूसरे के जमीन पर बधुआ मजदूर बनके
और रोटी उसको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, अपने खेत पर काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट और गरीबी शब्द मिट जाएगा हिंदुस्तान से, आप बराबर बराबर गरीब, एक रिवॉल्यूशन है और ये पूरा होगा हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ अंबेडकर जनमोर्चा ने एक एकड़ की मांग की है प्रदेश सरकार से कि प्रदेश में एक एक एकड़ की जमीन, मैं उसमें आंदोलन में भी था, मैं एक एकड़ नहीं, मैं एक एकड़ आप कहेंगे कि असंवैधानिक बात है, मैं संवैधानिक बात करूंगा, मैं समानता की बात करूंगा, कृषि योग्य जमीन समान रूप से हर व्यक्ति में बांट दी जाए। मेरे साथ आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा की, अब लास्ट सर से प्रश्न लेने वाला हूं कि आप जितने भी आंदोलन कर रहे हैं इसमें आपकी जो मनसा है उसमें अंतिम मांगें क्या है आप? अब अंतिम मांग अभी जो ज्ञापन दे के जो मांग कर रहा हूं उसमें कृषि योग्य जमीनें बराबर बांट दी जाएं ताकि बेरोजगारी और गरीबी हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए, शब्द तीन तीन पौने तीन तीन एकड़ व्यक्ति के हिस्से में आएगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मांग कर रहा हूं कि जो आज कब्जा कर लिए हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, कुछ लोगों का, कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है, ये डेमोक्रेटिक तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है कि एक बार का कानून बना लिया जाए, ये मेरी पुस्तक में हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में लिख गया है, विमोचन होना बाकी है, एक रिवोल्यूशनरी बुक है कि एक बार का कानून, कोई भी व्यक्ति असेंबली में एक बार पहुंचे, एक बार का कानून, चाहे वो लेजिस्लेटिव में चाहे वो पार्लियामेंट में, एक बार पहुंचे, दो बार नहीं और तीन बार अधिकतम चुनाव लड़ने का उसको मौका दिया जाए, और 35 साल कम से कम ये जब पूरी हो जाए, 35 साल पूरा कर ले तब उसे चुनाव में भागीदारी का मौका दिया जाए, तीन बार का अवसर दिया जाए। इससे ये होगा कि जो आज इस पट्टा लिखवा ले रहे हैं और झूठ बोलते हैं, हिंदुस्तान को लूटते हैं कि अगले चुनाव में हम जीत कर फिर सत्ता में आ जाएं, इसके लिए इन्होंने बेरोजगारी कायम की। बेरोजगारी और गरीबी, देखिए बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, नारी बलात्कार एवं हिंसा, एक्सप्लॉयटेशन, सांप्रदायिकता, सब इन नेताओं की देन है जो असेंबलीज के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ये केवल ये बनाए हुए हैं, ये ख़त्म हो जाएगा तो इनकी रोटी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, तीसरी मेरी मांग थी कि जीएसटी को समाप्त कर दीजिए, ये काला कानून है, मानवता को ले लेता है, पेट को हरता है, यदि आप नहीं ख़त्म कर सकते तो 14% जीएसटी करिए, 28% जीएसटी, ये डाका टैक्स क्यों लगाए हुए, किसने मांगा? हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से किसी ने 28 करोड़ जी, किसी ने 28% जीएसटी मांगा? नहीं मांगा। चावल, आटा, दाल, तेल, चीनी, हवा, दवा, पानी, इसी 11 आइटम पर जीएसटी आपने क्यों लगा दिया? ये तो जीवन है, किसने कहा जीएसटी लगाने के लिए? एक भी आदमी कहा हो तो आप बताइए। आप प्राइवेट गाड़ियों पर टोल टैक्स लेते हैं, क्यों लेते हैं? प्रेसिडेंट और विधायक टोल टैक्स नहीं देता, वो भी एक ही वोट देता है, मैं भी एक वोट देता हूँ, ज़मीनें हमारी, पैसा हमारा, हमने उसको निर्माण कराया, तुम डकैतों की तरह हमारे ऊपर टोल टैक्स लादते हो, हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स लेते हो, हम टोल टैक्स क्यों देंगे और कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? और दूसरी बात, चौथी अंतिम बात कि आपने डीजल और पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ाए हैं। मैंने कहा कि आप 15 मार्च का रेट 64 रुपये डीजल और 75 रुपये या 74 रुपये, याद नहीं आ रहा है ठीक से, 73 या 75 था, पेट्रोल कर दीजिए। और पांचवी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान गांधी का देश है, विवेकानंद का है, बुद्ध का है, रहीम का है, कबीर का है, नानक का है, ये शराब बेचने का मुल्क नहीं है। भारत को आप शराब की मंडी बना दिए, नारी बलात्कार और हिंसा डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है, इससे तो देश का विकास ही हो रहा है ना। कौन विकास कहता है? आप विकास कहते हैं? आप पढ़िए पहले, शराब बेच के विकास कभी सुने हिंदुस्तान में? शराब भारत की मंडी कभी रही है? मैं इंडोलॉजी का स्कॉलर हूँ, हिस्ट्री का स्कॉलर हूँ और यहाँ का पढ़ा नहीं हूँ, मैं रिसर्च जहाँ होता है वहाँ से पढ़ के आया हूँ, दिल्ली स्कूल हिस्ट्री का पढ़ा हूँ। शराब कभी भी इसमें, और आपको बता दें आज़ादी की पूरी लड़ाई में जितनी टक्कर अंग्रेजों के यहाँ से लखेदने का हो रहा था, समान रूप से महिलाएं और आज़ादी के लड़ने वाले लोग शराब की दुकानों को बंद करा रहे थे। शराब बेचेंगे आप हिंदुस्तान के अंदर? नारी बलात्कार और हिंसा पसरती चली जा रही है, उन्माद में भारत मटा हुआ है, और प्राइम लोकेशन पर आपने मदिरा की मॉडल साहब विदेशी शराब बेच रहे हैं और लुटेरे उसको पी रहे हैं। कोई मजदूर शराब पिएगा? मजदूर शराब पीता है देसी शराब, उसको वो भी शराब मैं कहता हूँ बंद करिए। सबसे ज़्यादा जब नुकसान है तो जाइए गरीबों की महिलाओं से पूछ लीजिए, जो भी बित्ता भर इंच भर जमीन उसकी बची है वो शराब गंवा के बेच के पी डालता है। आप क्या करना चाहते हैं? हिंदुस्तान से महंगाई दूर करिए, फौरन दूर करिए, ये ओवरनाइट का मामला है। जीएसटी को आधा करिए, जीएसटी जो खाने पीने का सामान है उसको नष्ट करिए, अभी टूट जाएगा महंगाई, कमर टूट जाएगी महंगाई का, डीजल
डीजल पेट्रोल को 64-74 रुपए पर लाइए, इसके बाद टोल टैक्स प्राइवेट गाड़ियों पर बंद करिए और भारवाही गाड़ियों पर 600, 700, 800, 900 एक एक अड्डे पर टोल टैक्स लिया जा रहा है। आप आग लगा दिए हैं महंगाई का। 1 रुपये प्रति किलोमीटर भारवाही गाड़ियों पर टोल टैक्स करिए, 15 रुपये पर, 12 से 15 रुपये प्रति किलोमीटर लगता है। सिलचर से असम, सिलचर से अमृतसर जरी गाड़ी अप्स एंड डाउन्स हो गया तो 70,000 रुपये पे करता है गाड़ी मालिक, और गाड़ी मालिक कहाँ से करता है, वो जो है सामान के ऊपर वो कास्ट इम्पोज हो जाता है। महंगाई की आग लगा के तूने नौटंकी का बादल हिंदुस्तान के अंदर नौटंकी खेली जा रही है। पैसा यहाँ के कला के चुनाव में ये सब पैसे का होली खेल रहे हैं। एक व्यक्ति ने 8,00,000 करोड़ रुपया फूंक दिया, वो कहाँ का पैसा था, बैंक का था, लोगों का पैसा था बैंक में, और सीधे लोग जो मध्यम और थोड़े से किसी ने बचाया वो शेयर बाजार में ले गया था। इसने वो शेयर किसका डूबा, हिंदुस्तान पैसे से खाली हो गया है। जांच कराइए, कहीं पैसा नहीं रह गया है, और वो पैसा अब कहाँ से लेगा। ये लुटेरे जो हैं इस देश के क्रूर लुटेरे हैं, इनकी सत्ता जितने दिन चलेगी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की मनुष्यता मरेगी। अभी GST बढ़ेगा, टोल बढ़ेगा, जो है डीजल पेट्रोल बढ़ेगा, शराब की मंडी और ज़्यादा दुकानें खोलेंगे। इनकी इन लुटेरों के पास अब रही क्या गया है आय का साधन, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर इन्होंने बेच दिया, जो इंडस्ट्री थी वो टूट गई, पहले से ही टूटी हुई थी। अब आज आके शिक्षा के व्यवस्था, शिक्षा 7 गुने तक महंगी कर दिया, चिकित्सा खुले बाजार में बिक रही है। शिक्षा चिकित्सा मैंने कहा तुम फ्री करो, पब्लिक सेक्टर के जितने भी प्राइवेट सेक्टर के अब तक के इंडस्ट्रीज हैं ठीक उसी तरह राष्ट्रीयकरण कर दो जैसे इंदिरा गांधी ने बैंकों का किया था, अब राष्ट्रीयकरण कर दो। और जो संस्थान है शिक्षा के सबका राष्ट्रीयकरण करिए, छोड़िए मत, और शिक्षा चिकित्सा को आप जो है निःशुल्क करिए। आप क्या करना चाहते हैं, ये गुंडे हैं, पूरे के पूरे गुंडे हैं, मैं किसी को उसमें से एक गुंडा जाएगा दूसरा गुंडा आएगा। जहाज़ों से उड़ते हैं शर्म नहीं लगती है, जहाज से उड़ते हैं, वंदे भारत चलाते हैं, ये जो है बुलेट चलाएंगे, और सारी पैसेंजर गाड़ियां जिस पर हिंदुस्तान चलता था गरीबों की गाड़ियां इन्होंने तोड़ दी है। और कुछ पैसेंजर गाड़ियां मेरे बहुत सारे पत्र लिखने के बाद मैंने प्रेसिडेंट को यहां तक लिख दिया कि आपकी रॉयल प्रेसिडेंशियल ट्रेन ट्रैक पर चल रही है पैसेंजर गाड़ियां, आपने हिंदुस्तान 93% लोग उन्हीं गाड़ियों में चलते हैं, पुरानी मेल गाड़ियों को इसने स्पेशल गाड़ियों में बदल दिया और पैसेंजर गाड़ियों को मेल बना दिया। और 3 गुने देवरिया का किराया गोरखपुर से 10 रुपये था, 30 रुपये से कम कहीं का किराया नहीं रह गया। पटरियों पर, पुरानी पैसेंजर गाड़ियों के पटरियों पर यहीं अगल बगल के गरीब लोग अपना तरकारी दूध फल उत्पाद लेके महानगरों में आते थे, बेच के जाते थे, अपना परिवार जीता था। पटरियों पर चलने वाली अर्थव्यवस्था को इन लुटेरों ने तोड़ा है। अरे यह लुटेरे हैं, देखिए मैंने अपना ज्ञापन, 2 ज्ञापन आपको बता दूं, संक्षेप करूं इस बात को कि एक ज्ञापन मैंने 19 दिसंबर को अशफाक रोशन बिस्मिल और ये लाहिड़ी के फांसी दिवस के दिन जेल पर एक दिन का सत्याग्रह रख के फांसी के तख्त के पास बिस्मिल के, और मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट को एक ज्ञापन दिया है, सारी मांगे उसमें मौजूद हैं। और फिर जो है मैंने आयुक्त के द्वारा, फिर मैंने 9 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से जहां अलाउ नहीं है वहां एक दिन सत्याग्रह करके यही ज्ञापन कमिश्नर पटना की ओर से प्रेसिडेंट को दिया है। मेरे एक चिट्ठी का कोई जवाब नहीं देते। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। एक अपने स्टेटमेंट में ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा कि भारत में कहां डेमोक्रेसी है, वो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी नहीं मानते। यदि डेमोक्रेसी होती, हमारे हिस्से में इतनी डेमोक्रेसी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट हमारे पत्रों का जवाब दे सके। कैसी डेमोक्रेसी, किस तरह का इक्विलिटी, कहीं कुछ नहीं है। एक गरीबों को और सबको जो 90% कुछ नहीं जानते, जो मजदूर हैं 80% कमा रहे हैं, उनको जो मर जाते हैं 400 रुपये कमाने के बाद, ये बेईमान हैं, लुटेरे हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं पूरी की पूरी, कि कोई इसमें से बचा नहीं है, कोई बचा नहीं है। इनको लोगों से मोहब्बत नहीं है, देश से वतन से कोई मोहब्बत नहीं है। आज ताजुब ये हो रही है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और भारत को आज ही के दिन शहादत मिली थी। आप, मैं इनको तीनों की शहादत को, भगत की, सुखदेव और राजगुरु के शहादत को भारत की शहादत कहता हूं। मैं निजी तौर पर, भारत को फांसी पलटका दिया गया था 31 मार्च
23 मार्च 1931 को आज सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है रामनवमी के नाम पर, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। मैं अभी एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखता हूं कि कम से कम आज यह सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद कराइए, रामनवमी के नाम पर जलसे हो रहे हैं और हिंदुस्तान को आज के दिन फांसी पर लटकाया गया, कोई पूछने वाला नहीं है भगत को। आज मेरे साथ संपूर्ण मल जी थे जिन्होंने बहुत बखूबी तरीके से अपनी बातों को रखा। आपकी आपकी प्रतिक्रिया कैसी लगी जरूर बताएं। बहुत बहुत साधुवाद।